रूस यूक्रेन युद्ध आए दिन नए मोड़ ले रहा है। दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर लगातार भीषण वार पलटवार जारी है। एक ओर रूस अपने हमलों में पैनापन दिखाते हुए यूक्रेन के कई इलाकों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है, यूक्रेन के कई अहम ठिकानों को बमबारी से उड़ा रहा है। दूसरी ओर अमेरिकी हथियारों के दम पर यूक्रेन भी रूस को मजबूत टक्कर दे रहा है। दोनों देशों की ओर से जमीन और हवाई दोनों तरह के हमले जारी हैं। रूस यूक्रेन एक दूसरे पर हावी होने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हाल में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर रूस को बड़ा झटका दिया। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी इलाकों पर बमबारी की जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस हमले से तिलमिलाई रूसी सेना ने भी बिना देरी के यूक्रेनी शहर पर भीषण एयर स्ट्राइक की। इससे यूक्रेन में खलबली मच गई। ऐसा दावा है कि यूक्रेन में हमले से मची चीख पुकार पश्चिमी देशों के कानों तक भी पहुंची। रूस के ताबड़तोड़ हमलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले महीनों यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमाने वाली रूसी सेना फिर से अटैकिंग मोड में आ गई है। रूस के नए FAB-3000 भारी हवाई बम के इस्तेमाल का एक वीडियो सामने आया है जिसने यूक्रेनी सेना में खलबली मचा दी है। डोनेस्क पीपल रिपब्लिक की न्यूयॉर्क बस्ती में रूस ने यूक्रेनी ठिकानों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ग्लाइडेड मॉड्यूल से लैस 3 टन के उच्च विस्फोटक बम ने एक यूक्रेनी कमांड सेंटर पर हमला किया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस हमले में कम से कम 60 सैनिक मारे गए हैं और यूक्रेन के 4 सैन्य वाहन नष्ट हो गए हैं, तो वहीं कमांड सेंटर की पूरी बिल्डिंग का नामोनिशान मिट गया है। न्यूयॉर्क में किए गए हमले के ड्रोन फुटेज में एक बड़ा भयंकर ब्लास्ट कैमरे में कैद हुआ है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। बताया जाता है कि रूसी सेना ने FAB-3000 को पहली बार खार्किव इलाके में तैनात किया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो FAB-3000 बम इतने घातक होते हैं कि ये सबसे मजबूत किलेबंदी को भी पल भर में नष्ट कर देते हैं। इनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टारगेट को सटीकता के साथ वार करने में सक्षम बनाती है। पश्चिमी देश भी FAB-3000 की ताकत को मान चुके हैं। यही वजह है कि FAB-3000 और हवा से लॉन्च होने वाले छोटे बम जिन्हें रूस ने पॉप आउट विंग और सैटेलाइट नेविगेशन के साथ अपग्रेड किया है, यूक्रेनी सेना के लिए बेहद गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन के फ्रंटलाइन सैनिकों के खिलाफ ऐसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया है। हालांकि यूक्रेन के पास भी ग्लाइडेड बम हमलों के लिए कुछ काउंटर हैं। गौरतलब है कि रूस डोनबास में लगातार बढ़त बना रहा है। मई की शुरुआत में मॉस्को ने खार्किव में भी अपना हमला किया था।